तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल मोहित में। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू यूज एंड स्क्रीन एनिमेशन। जैसे हमारे एंड स्क्रीन में होता है ना, लास्ट में वीडियो के एंडिंग में इस टाइप का कुछ इस टाइप के होते हैं ना, उस टाइप को कैसे यूज करते हैं, कैसे सेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन एंड स्क्रीन एनिमेशन। उसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। एंड स्क्रीन एनिमेशन लगाने के लिए पहला स्टेप है अपना ब्राउजर में यूट्यूब खोलो, फिर अपना यूट्यूब लॉगिन करने के बाद वहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन आएगा। क्रिएटर स्टूडियो ऑन द राइट कॉर्नर, फिर वहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करना। फिर बाजू में एक चैनल्स होगा, वीडियो मैनेजर पे क्लिक करना है, लेकिन चैनल के ऊपर है। वीडियो मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको कौन सी वीडियो में डालना है वीडियो सिलेक्ट कर लो। तो ये मुझे पहले वीडियो में जाना है। वीडियो में एक एडिट का ऑप्शन है, एडिट के बाजू में एक एरो बना हुआ है, एरो के अंदर ही आपको एंड स्क्रीन एनिमेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये अपना एंड स्क्रीन एनिमेशन खुल चुका है। तो अब मुझे देख लेना है कि कहाँ तक मैंने एंड स्क्रीन एनिमेशन को लगाना है। तो देख रहा हूँ भाई, मैं लगाता हूँ 1:49 पे। हाँ, 1:49 पे मैं लगा रहा हूँ। तो मैं लगाऊंगा अपना एंड स्क्रीन एनिमेशन 1:49। आपको जब लगाने लगाओ लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड में, फिर आप ऐड एलिमेंट पे क्लिक करो। फिर आपको जो वीडियो सिलेक्ट करना है वो कर लो, या फिर मोस्ट रिसेंट अपलोड कुछ भी कर सकते हो आप। फिर अपना वीडियो सेट कर लो उसके मुताबिक। मैं भी अपना वीडियो सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ बेस्ट फॉर व्यूअर्स डाल के, और वहाँ पे एक सब्सक्राइबर बटन होता है ना, क्लिक हियर टू सब्सक्राइब वाला, वो वाला कैसे ऐड करते हैं, उसमें भी ऐड एलिमेंट में ही है सब्सक्राइब का बटन। देखो वहाँ मेरा आ गया, फिर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा सेट हो चुका है। फिर सेट होने के बाद आप ऐड एलिमेंट पे, अगर आपको अपना दूसरा चैनल प्रमोट करना है, मतलब दूसरे चैनल का डालना है, तो दूसरे चैनल का भी होता है लिंक डाल के। अगर आपके पास कोई लिंक है, कोई आपने वेबसाइट बनाया है, तो वेबसाइट भी डाल सकते हो लास्ट में, लेकिन मेरे कोई वेबसाइट नहीं इसलिए वेबसाइट नहीं डाला। फिर वहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू दबा के देखता हूँ मैं एक बार। मैं प्रीव्यू एक बार देख लेता हूँ मैं कि मेरा हो गया, एंड स्क्रीन काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरा एंड स्क्रीन एकदम अच्छे से काम कर रहा है। देखो आप, मेरा एंड स्क्रीन एकदम बेस्ट काम कर रहा है। फिर सब्सक्राइब बटन पे जैसे मैंने किया, सब्सक्राइब के काउंट्स भी शो हो गए। फिर ऊपर में राइट कॉर्नर में आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, सेव दबाने के बाद आपको बैक लेना है। फिर बैक लेने के बाद चलिए एक बार देख लेते हैं वीडियो चालू करके डायरेक्ट कि वीडियो में एंड स्क्रीन कैसा काम कर रहा है। तो मैंने वीडियो चालू किया, फिर मैं लास्ट पे देख रहा हूँ मेरा एंड स्क्रीन काम कर रहा है कि नहीं। मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, मेरा एंड स्क्रीन एकदम अच्छे से काम कर रहा है। चलिए मेरे सब्सक्राइबर बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि मेरा चैनल खुलता है कि नहीं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो डायरेक्ट मेरा चैनल खुल गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।